अकाली दल लीडर सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान को चुनौती दी है, जिस दे विच उन्होंने कहा है कि बालासर नहर बारे जो दावे किए गए हैं उन्हां दा रिकॉर्ड पेश किया जाए। जेकर रिकॉर्ड पेश ना कर पाए तो मान हानि केस के लिए तैयार रहो। आओ तुहाडे नाल भी सांझी करते हाँ सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों कैमरे दे अगे आ के सीएम भगवंत मान नू दित्ती गई चुनौती। पंजाब दे नलायक निखिद निकम्मा जाली मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ड्रामा रचिया जिहदा नां डिबेट दित्ती गई। उत्थे करफ्यू ला दिता गया, किसी नू अंदर नहीं आउण दिता गया। सानू पता सी इह ड्रामा, इस करके सारी पोलिटिकल पार्टियां ने उहदा बायकॉट किया। उहदा मतलब की सी कि मैं इन्ना झूठ बोलना क्योंकि इन्हें मीडिया के 30 करोड़ रुपये खर्चे से सारा लाइव अपना दिखाना चाहता सी, ते कल्ले अपनी स्पीच दिखानी सी उन्हें ते बाकियां नू कट कर देना सी। मैं कहना है इस जिहड़े ड्रामे विच भगवंत मान ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिते। भगवंत बेईमान, तुहानू पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री दे मूँह चो एक एक गल निकली मतलब है लोगों नू विश्वास होना चाहिए। पिछले पौने 2 साल इन्ने झूठ बोलते, इन्ने ड्रामे करते कि लोगों का तेरे विश्वास ही उतर गया। मेरा मन नहीं सी कि जिहड़ियां गल्लां तू बादल परिवार के खिलाफ या अकाली दल के खिलाफ तू बोलियां झूठ बोले है, मैं उन्हां जवाब देवां क्योंकि मैं तेनू फिट ही नहीं समझदा। जिहड़ा इन्ना नलायक निखिद निकम्मा मुख्यमंत्री है उहदा जवाब मैं क्यों देवां। पर मैं पंजाब की जनता नू ते देश वासियां नू दसना चाहुंदा सी किड्डा झूठा मुख्यमंत्री है। 3-4 गल्लां ते मैं दसूँगा जिहड़े इन्हां ने बादल परिवार ते निजी हमले किए। पहला हमला किया इन्हें क्या कि बादल परिवार की जमीन बालासर फार्म है जिथे दास नहर कढ़ी गई बादल परिवार के उस खेत वास्ते। भगवंत मान देवी लाल पहली बार मुख्यमंत्री बनया 1977 च, ते आ जिहड़ी नहर कढ़ी गई है आ 1955 शुरू होया उहदा काम। भाखड़ा मेन लाइन बनाई गई, भाखड़ा की नहर जिहड़ी तुसीं देखते हो पंजाब चों निकलदी हरियाणे जांदी आ, उदों ना हरियाणा पंजाब अलग नहीं सी, एक जॉइंट पंजाब सी। वो भाखड़ा दे नाल अगे उस इलाके नू पानी देने वास्ते एक पंजुआना ब्रांच कढ़ी गई, उस पंजुआना ब्रांच तो एक बाणी ब्रांच कढ़ी गई, उस बाणी ब्रांच तो एक बालासर ब्रांच कढ़ी गई। तो वह जी बालासर की ब्रांच कढ़ी गई आ मेरे को फर्दा है इंतकाल की कॉपी है जिहड़ी 1964 विच 12/3/1964 विच बालासर जिहड़ी ब्रांच कढ़ी गई है। देवीलाल तो 77 च बनया। मैं पंजाब की जनता को दसना चाहना आ है ये झूठ बोलते हैं। दूजी गल हुण कहूँगा कि बालासर जमीन जिहड़ी है वह भी देवीलाल ने दित्ती होनी है क्योंकि इहदा कोई पता नहीं किस स्पीच ते जाके कोई झूठ बोलते। मैं वह भी दसना चाहना जिहड़े बालासर साडे फार्म है बादल साहब के नानकियां का हिस्सा आया सी, आज़ादी तो पहले की जमीन है साडे कोले जिहदी अलग गल कर रहे हैं। दूजा झूठ जिहड़ा इन्हें बोलिया, कहन लग्या कि जी 62 परमिट मैं बादलों के कैंसल कर दते बड़े इलीगल सी, वो भी झूठ है। एक भी परमिट कैंसल नहीं होया, होया की है एक्सटेंशन जिहड़ियां 2 तो उत्ते एक्सटेंशन वो सारिआं दीआं सुप्रीम कोर्ट के अदायत के उत्ते वो सारिआं दीआं एक्सटेंशन जिहड़ी दित्तियां गईआं सी, एक एक्सटेंशन अलाउड सी, दूजी एक्सटेंशन उत्ते वो सारे की कटेल की गई हैं। आ जिहड़ा एक्सटेंशन का एक्ट बनाया गया सी बेअंत सिंह ने 1993 विच, पहली जिहड़ी एक्सटेंशन डबल एक्सटेंशन दित्ती गई सी वो सेवक ट्रांसपोर्ट नूं दित्ती गई सी 1993 विच बेअंत सिंह ने। अज तकरीबन 30 साल हो गए, 30 सालों विच सारे जिन्ने ट्रांसपोर्टर है उन्होंने एक्सटेंशन लेतियां, पंजाब रोडवेज ने भी एक्सटेंशन लेतियां, तो PRTC ने भी डबल एक्सटेंशन लेतियां। भगवंत मान जिहड़ा तू कहना बादलों का किया रोडवेज की भी कैंसल होया तो PRTC भी कैंसल होणगे, एडे वड्डे झूठ। बड़ा जोर ला लिया अभी बादलों की बसा बंद करनिया, चल रही तेरिया बसा। तीजी गल जी कई स्वर्थ स्पीचां करता हुंदा कि चौधरी देवीलाल ने बादलों नू जिहड़ा होटल गुड़गांव है वह दिता है SYL नहर के बदले। मैं पूछना चाहना इतिहास पढ़िया तू, बोलो तो पढ़िया कितने किताब पढ़ी है, कितों SYL बनी, किने बनाई, कितों शुरू हुई। मैं वह थोनू वेरवा देना चाहना SYL 1976
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ 1976 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1999 ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਗੜਗਾਉਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਹ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ 1989 ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੋਟ ਹੋਏ 89 ਅਤੇ 76 'ਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਕਨਾਲ ਦਾ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਗਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 78 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ 82 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ ਨਹਿਰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਲੈ ਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 10 ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ PBX ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ